স্বাগতম জানাইছো মুখামুখি অনুষ্ঠানলৈ। আৰু মই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰত 10টা সাক্ষাৎকাৰ লৈছো, 10জন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ যি অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব, অসমৰ ৰাজনীতিৰ গতি নিৰ্ণয় কৰিব, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছত অসমৰ ৰাজনীতি নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু আজি মোৰ সৈতে অতিথি আতিশী ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জানাইছো। সকলোৱে চিনি পায় নতুন দিল্লীৰ আপৰ চৰকাৰৰ এক চিনাকি মুখ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া জেললৈ যোৱাৰ পাছত, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰাৰ পাছত তেখেতে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰাকে ধৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিছে আৰু অসমলৈ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিছে। আৰু দলীয় প্ৰাৰ্থী দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী আছে, ডিব্ৰুগড়ত মনোজ দানোৱাৰ যুৱ নেতা আৰু তেজপুৰত ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য, দুইজনেই যুৱ নেতা, তেওঁলোকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। আৰু আজি আমি তেখেতৰ সৈতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিৰ্বাচনী বিষয়বোৰ কেনে সম্ভাৱনা দেখিছে। ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' মুখামুখি ইন আসামিজ। সো হোৱাট ইজ দ্য প্ৰস্পেক্ট হিয়াৰ, আপকো কেচা লাগ ৰহা হ্যা, দো হে দো যুবাই হে আপ লোগ কা কেণ্ডিডেট অর আপনি অভি রিলিজ ভি কিয়া হে, কেম্পেইন কিয়া হে, সবসে মিলা ভি হে। তো ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ অ্যাবাউট আসাম অনলি, যে কিয়া প্রসপেক্টস আপ লোক দেখ রহে হ্যা, আপকা এন্ড আপকা ক্যান্ডিডেট কা। দেখিয়ে বড়ি ইন্টারেস্টিং বাত হ্যা, জব আম আদমি পার্টি কো সিরফ এক দিল্লি কি পার্টি মানা জাতা থা, দিল্লি আর আসাম এক দূসরে সে ইতনে দূর হ্যা, ইস দূরি কি বাবজুদ ভি আসাম নে হমেশা আম আদমি পার্টি কো অরবিন্দ কেজরিওয়াল কো বহুত প্যার দিয়া হ্যা। कौन सोच सकता था कि तिनसुखिया के म्यूनिसिपल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी एक सीट जीतेगी? कौन सोच सकता था कि गुवाहाटी के म्यूनिसिपल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी एक सीट जीतेगी? तो असम के लोगों ने बहुत पहले से आम आदमी पार्टी के प्रति एक प्यार, एक आशीर्वाद बना के रखा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारी का जो लोकसभा चुनाव है इसमें हमारे दोनों कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रांग हैं और मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी का खाता लोकसभा में जरूर खुलेगा। और नेशनली क्या रिजल्ट होगा? बेसिकली इन दिल्ली लास्ट लोकसभा इलेक्शन दैट वाज 7-0, बीजेपी क्लीन स्वीप इन दिल्ली। इस बार क्या हो सकता है? अभी तो एक सेंटीमेंट भी है, इमोशन है कि अरविंद जी को अरेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है, तो पहले वाला सीनेरियो और पोस्ट अरेस्ट ये डेफिनेटली अलग होगा। अभी क्या फीडबैक है, कैसा आपको? देखिए, ये आपकी बात सही है कि पिछली बार 7-0 जीती थी, 2014 में भी 7-0 जीती थी और इस बारी भी पोल 7-0 ही दिखा रहे थे इंडिया अलायंस बनने के बावजूद। पर मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से बहुत नाराज़ हैं और बहुत परेशान हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में CM साहब के अरेस्ट के बाद जब हम गए, बहुत सारी महिलाएँ थीं जो आंसुओं से रो रही थी उनकी गिरफ्तारी पर। तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपना CM नहीं मानते हैं, वो उनसे एक दिल का रिश्ता फील करते हैं, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह देखते हैं। और मुझे ये लगता है कि इसका असर बिल्कुल चुनाव पर पड़ेगा। और मेरा असेसमेंट है कि इस बार इस गिरफ्तारी की वजह से BJP को एक भी सीट दिल्ली में नहीं आएगी। सो दिस टाइम इट मे रिवर्स? यस, दिस टाइम इट मे रिवर्स। आई वाज ऑन लाइव जिस दिन अरविंद जी को गिरफ्तार किया था, आई वाज कटिंग अक्रॉस टू यू एंड सौरभ जी भी था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब हम लोगों ने देखा है कि लेकिन अरविंद जी जेल में है, आप लोगों ने कहा है कि हमारा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर सब जेल में है। अभी एक अच्छा है कि बेल में संजय सिंह जी वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर में आप लोग इलेक्शन कैंपेन कैसे संभाल रहे हैं पूरा देश में, बेसिकली इन पंजाब, इन गोवा, इन असम, रिमोट पार्ट? देखिए, BJP ने तो यही सोचा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो पार्टी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है, चाहे सड़कों पर, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे मीडिया में, चाहे 31 मार्च को रामलीला मैदान में लाखों लोगों की रैली करके, उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो उतनी ही मजबूती से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगी और चुनाव का कैंपेन भी करेगी। और क्या हो सकता है रिजल्ट्स इन पंजाब? देखिए, पंजाब में तो अभी बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये कहना, मतलब अभी ये कहना कि भाई 13 में से 13 सीट आ जाएगी, हो सकता है थोड़ा एरोगेंट अभी लगे, लेकिन अभी बहुत पॉपुलैरिटी है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार की, वहाँ पे CM भगवंत मान जी की। जो काम पिछले 2 साल में हुआ है, चाहे वो बिजली की सप्लाई इम्प्रूव होना हो, 24 घंटे बिजली आना हो, बिजली के बिल ज़ीरो होना हो, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि 10 साल के बाद पहली बार उनको कनाल से पानी मिलना शुरू हुआ। पर किसानों का मुद्दा बहुत स्ट्रांग है। किसानों का वोट स्ट्रांग है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि
पंजाब लोकसभा सीट में तो आम आदमी पार्टी का स्वीप होना चाहिए। और ऑलरेडी बीजेपी इन बैकफुट इन पंजाब। बीजेपी का तो बहुत ज्यादा प्रेजेंस है भी नहीं। बेसिकली शिरोमणि अकाली दल से ऐसे ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की अलायंस थी जिसकी वजह से वहां पे इनकी कोएलिशन की सरकार थी। पर लेट्स सी। डिब्रूगढ़ में आप लोग का कैंडिडेट मनोज धनवार यंग यूथ लीडर ही इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट सर्बानंद सोनोवाल पावरफुल एक्स चीफ मिनिस्टर के यूनियन मिनिस्टर। आपने कैंपेन किया रैली में भी हिस्सा लिया तो क्या फीडबैक है क्या लगता है कितना दूर तक कल हमारी तिनसुखिया में रोड शो था। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी भारी संख्या में लोग निकल के आए थे सड़कों पे खड़े थे जो पॉजिटिविटी थी। लोग हमारा रोड शो देख के अपने परिवार के सदस्यों को खिड़की पे लेके आ रहे थे बालकनी पे लेके आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली चाहे हमारे सामने कितना भी स्ट्रांग कैंडिडेट हो आज डिब्रूगढ़ लोकसभा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का के लिए एक बहुत पॉजिटिविटी है बहुत प्यार है। और जैसा मैंने कहा तिनसुखिया एक ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी जहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड तौर पे जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आम आदमी पार्टी एक सीट जीती थी। एंड सोनितपुर तेजपुर यू हैव वन कैंडिडेट हियर आल्सो। जितना मेरा अभी तक हमने अपने सर्वेस देखे हैं आई थिंक वी आर स्ट्रांगली इन द फाइट इन दिस लोकसभा सीट एज़ वेल। सो अभी ये है कि आप लोग असम में ये शुरुआती जर्नी है डेफिनेटली कंटेस्टिंग इन टू सीट्स। सो अभी 26 में असम का असेंबली इलेक्शन भी होने वाला है। व्हाट इज योर प्लान नेक्स्ट। नहीं बिल्कुल हम आसाम की राजनीति में एक स्ट्रांगली अपने आप को पुट फॉरवर्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी लड़े हैं यहाँ पे हम दो लोकसभा सीट्स भी लड़ रहे हैं और आने वाले 2026 के लिए आई फील दैट वी विल बी अ स्ट्रांग कंटेंडर फॉर द असेंबली इलेक्शंस। आप लोगों ने जब मूवमेंट शुरू किया था दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या बाकी मूवमेंट हो आसाम से योगदान बड़ा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग था। तब का लीडरशिप था आप लोगों के साथ एक साथ मूवमेंट पे हिस्सा भी लिया था लेकिन फॉर्मल जो पॉलिटिकल एंट्री ये थोड़ा सा लेट हुआ ऐसा लगता है क्योंकि देखिए हम एक छोटी सी पार्टी है। दो पहले इलेक्शन में कंटेस्ट किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल सीन दैट यस देयर आर आपका पार्टी है। आसाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आसाम भी आम आदमी पार्टी को चाहता है। वो इसलिए चाहता है बिकॉज देखिए कांग्रेस की सरकारें कई साल तक देख ली हैं आसाम के लोगों ने। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की सरकार कि अगर स्टेट में भी हम होंगे सेंटर में भी हम होंगे तो हम अपने सारे वादे पूरे कर पाएंगे। अब आसाम ने डबल इंजन की सरकार भी देख ली तो मुझे लगता है कि अब आसाम इज लुकिंग फॉर चेंज। आसाम चाहती है आसाम के लोग चाहते हैं कि भाई हम एक नई पार्टी को मौका देके तो देखें। अब हमने सबको ट्राई कर लिया है और किसी ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए तो इसलिए मुझे लगता है कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी आसाम में एंट्री करना चाहती है आसाम के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आए। केजरीवाल जी का गिरफ्तार एक इलेक्शन के पहले जो अरेस्ट है सेटबैक है आप लोगों के लिए या अभी इसके बाद जो इमोशन हुआ है उससे पर्सनली टू सेटबैक डेफिनेटली है पर्सनली इलेक्शन है आप लोग का दल का सर्वोच्च नेता वो जेल में है लेकिन पॉलिटिकली एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। देखिए मुझे इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ऑपोजिशन के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर नेशनल कन्वीनर ऑफ वन ऑफ द सिक्स नेशनल पार्टीज इन द कंट्री गेट्स अरेस्टेड। देयर इज नो कन्विक्शन अभी तक तो कोई चार्जशीट भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। टू चीफ मिनिस्टर सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसे दोनों हमने जो देखा है ईडी सीबीआई ने केस फाइल किया है स्ट्रॉन्ग एलिगेशन चार्जेस है उन लोगों का जो केसेस है इनमें दिल्ली में आप लोग के खिलाफ दो स्कैंडल पूरा है एक है अरविंद केजरीवाल जी जो लिकर पॉलिसी वाला है दूसरा हेल्थ का और जॉब फॉर स्कैम लैंड फॉर जॉब ये जो स्कैंडल है तो ये एलिगेशन है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए इसके लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा इस देश में एक कानून है जिसका नाम है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट जिसके तहत ईडी ये सारी गिरफ्तारियां करती है। दैट वाज अमेंडेड। हां जी दैट वाज अमेंडेड। यस नहीं इसमें आप देखिए PMLA क्यों बना था। PMLA का एक्ट इसलिए लाया गया था जब इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन पे साइन किया था ऑन काउंटर टेररिज्म एंड प्रिवेंटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग यानी आतंकवाद को रोकने के लिए और ड्रग्स की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट लाया गया था। अब आप मुझे बताइए
जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो पीएमएलए को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रोकने के लिए केसेस कर रही है? क्या ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए केसेस कर रही है? नहीं कर रही है. आज पीएमएलए का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किया जाता है. सो एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, ये एलिगेशंस ट्रायल कोर्ट में, जब एक्चुअली ट्रायल होता है, कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट भी बार बार पूछ रहा है. अभी संजय सिंह जी को जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि भाई मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया है, पैसा कहाँ है, मतलब देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी मनी. एंड दैट इज द रीजन कि ईडी ने जो संजय सिंह की बेल का विरोध किया था, उस विरोध को विड्रॉ किया, बिकॉज उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था. अभी ये है कि आप लोग, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया एयरलाइंस, इसमें जितना सारा प्रोटेस्ट या प्रोग्राम होना था, ये जो अरेस्ट के बाद और केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, ये दिखाई नहीं दिया फ्रॉम अदर पार्टीज. क्या बात कर रहे हैं, इतनी इतना जोरदार जबरदस्त रामलीला वाज रियली बिग, रामलीला मैदान का प्रोटेस्ट ये है. लेकिन देश भर में, दिल्ली दिल्ली जैसे शहर में, राम मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते, लाखों लोग आए. रामलीला मैदान तो भरा ही हुआ था, जितने लोग रामलीला मैदान के अंदर थे उतने लोग रामलीला मैदान के बाहर भी थे. और इंडिया अलायंस के हर प्रोमिनेंट पार्टी के लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे. देखिए कांग्रेस पार्टी से हमारा हर तरह का लड़ाई झगड़ा रहा है जब से हमारी पार्टी बनी है. आप लोग के खिलाफ बोले भी है, और लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सब वहाँ पे मौजूद थे. उद्धव ठाकरे मौजूद थे, आदित्य ठाकरे मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मौजूद थी, महबूबा मुफ्ती वहाँ पे मौजूद थी, अखिलेश यादव वहाँ पे मौजूद थे, तेजस्वी यादव वहाँ पे मौजूद थे. मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस से इससे बड़ा स्टेटमेंट, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा मंच रहा है इंडिया अलायंस का जब से अलायंस बनी है, जिसमें सारी टॉप लीडरशिप दोनों के खिलाफ लड़ाई होगा. डिब्रूगढ़ में अलायंस का पार्टनर है, असम में 16 पार्टी अलायंस है, उसमें कॉन्टेस्ट होगा. सो व्हाई यू आर कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट काइंड ऑफ योर ओन अलायंस पार्टनर? देखिए ये अनफॉर्चुनेट बात है, हम तो असम में भी अलायंस चाहते थे. But it is unfortunate that for various reasons the alliance did not work out. But officially, Assam Unity is still part of 16 party alliance. Assam mein abhi bhi. I mean, officially, to agar hum lad rahe hain alag se, to wo officially kya official raha? It is unfortunate. I will just say that we had wanted that there should be an alliance in Assam, but for various reasons, Congress se sahmati nahi ban payi. But opposition ka leadership ya jo log hai, un log ko ye कहने बोलना था कि अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, जीतना है, तो ओपोजिशन का एक कैंडिडेट हो तो अच्छा होगा. हाँ नहीं, आपकी बिल्कुल सही बात है, और देश भर में हमने कोशिश भी करी है कि ऐसा हो, लेकिन हर स्टेट का अपना एक डायनामिक्स भी होता है. फॉर एग्जांपल पंजाब में भी हमारी कांग्रेस से अलायंस नहीं है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस आर बोथ फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. बट मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल देश भर में देखिए तो India Alliance has been successful to the degree that almost in 80% or more of the seats, there will be only one candidate against the BJP. और ये बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात है. आप इसलिए देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो सारी पार्टियाँ India Alliance में हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सालों से चुनाव लड़ती आई हैं. इनफैक्ट सारे जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं सब यही कहते थे कि आखिरी मौके पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगा. एंड इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी में ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि फाइनली जब एक बार ही इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आ गई, और जब ये रिस्क हुआ कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि देश भर में अलायंस पार्टनर्स के लिए कैंपेन करेंगे, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बिग रीजन. असम में आने वाले थे? हाँ जी बिल्कुल आने वाले थे. असम में भी दोनों जो हमारी सीट्स हैं यहाँ पर, डिब्रूगढ़ भी, सोनीतपुर भी, यहाँ पर कैंपेन करने वाले थे. एक अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली को लेके कि चीफ मिनिस्टर शिप वो जेल से ही चलाएगा, ये फाइनल है? जी बिल्कुल फाइनल. नो कॉम्प्रोमाइज इन बिटवीन? नो कॉम्प्रोमाइज. बट बीजेपी इज पिचिंग दैट ये अनकॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या जो भी हो, वो लोग बोल रहा है कि अभी ऐसा सुनाई दे रहा है कि प्रेसिडेंट रूल के लिए भी वो लोग प्रेशर डालेगा. देखिए अगर हमें लीगल प्रोविजन समझनी है, इसमें दो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन है.
नंबर वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो ये कहता है कि अगर किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को 2 साल से ज़्यादा की कन्विक्शन हो तो फिर वो जनप्रतिनिधि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो वो नहीं रह सकता। अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई है, राइट? सो ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। नंबर टू, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि यू कैन नॉट स्टे एज चीफ मिनिस्टर इफ यू डू नॉट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ योर हाउस। तो जो अगर विधानसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आप सीएम नहीं रह सकते। उनकी 70 में से 62 सीटें हैं अरविंद केजरीवाल जी की, सो इंजॉय द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो कॉन्स्टिट्यूशनली देर इज नो बार फॉर अरविंद केजरीवाल टू स्टे एज चीफ मिनिस्टर। अब आया दूसरा सवाल कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा दें। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल का कन्विक्शन हुआ होता, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा होता कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया है इसलिए वो जेल जा रहे हैं, मान लीजिए 2 साल का कन्विक्शन भी नहीं होता, उससे कम का कन्विक्शन भी होता, तो फिर भी ये सवाल उठ सकता था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब जब झूठे केस में बिना किसी सबूत के भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसा रही है, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद ऑपोजिशन के हर चीफ मिनिस्टर पे केस होंगे, उनको जेल में डाला जाएगा और इसके माध्यम से उनकी सरकार गिराई जाएगी। इससे ज़्यादा आसान क्या है? आपके पास ईडी अपने हाथ में है, आपके पास पीएमएलए का कानून है, आप किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, बेल उस कानून में मिलती नहीं है। तो आप हर ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालेंगे, कल पिनरई विजयन जेल जाएंगे, फिर सिद्धरमैया जेल जाएंगे, फिर ममता बनर्जी जेल जाएंगे, फिर स्टालिन जेल जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है फिर बीजेपी के लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता खोलेगा विपक्ष की सारी सरकारों को गिराने के लिए। मे बी लॉजिकली यू आर करेक्ट, बट ऐसे जेल में रह के वो अपना पोस्ट के प्रति जस्टिस कर पाएगा? ह्यूज रेस्पॉन्सिबल पोस्ट। बिल्कुल कर पाएंगे, दिल्ली के लोग चाहते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिल्ली के लोग चाहते हैं। अगर आज आप दिल्ली में जाइए और किसी से भी पूछिए कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दिल्ली में 80% लोग कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर आपको याद होगा 80s का एक दौर था जब बहुत सारी स्टेट्स में रेजिडेंस रूल लगा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए थे। SR बोम्मई इज द मोस्ट फेमस ऑफ दोस जजमेंट्स। उसमें ये बहुत क्लियर कट लिखा है, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ओनली व्हेन देयर इज नो अदर चॉइस अवेलेबल। ठीक है, तो इसलिए अभी तो चॉइस है, क्यों नहीं अलाउ कर सकते कि फाइलें चली जाए अरविंद केजरीवाल जी के पास? क्यों नहीं अलाउ कर सकते कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट की मीटिंग हो जाए? दैट इज अ चॉइस दैट इज अवेलेबल। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कंपनीज के केस में सहारा में सुब्रता रॉय, यूनिटेक में शरद चंद्र वगैरह को अलाउ किया था पब्लिक इंटरेस्ट में, सो दैट जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे की रिकवरी हो सके, उसके लिए आपने उनको ऑफिस अलाउ किया था, ऑफिशियल अलाउ किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह असिस्टेंट, आपने कैलकटा हाई कोर्ट ने 2 मिनिस्टर्स को हाउस अरेस्ट में रह के काम करना अलाउ किया था वेस्ट बंगाल में। सो इसलिए देखिए, सो अभी वी हैव नॉट रीच द बार ऑफ नो अदर वे। तो जिसने डाला है उनको जेल में, वो रास्ता निकाले। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं क्रिएट किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर बीजेपी कह रही है कि है, इट इज क्रिएटेड बाय देम, इट इज क्रिएटेड बाय देयर एजेंसीज। सुनीता जी, केजरीवाल जी, मैडम केजरीवाल जी वेरी रेयरली सीन इन पॉलिटिक्स, बट आफ्टर हिज अरेस्ट हमने देखा है 2 वीडियो स्टेटमेंट, सो इज सी इन्वॉल्व इन दिस डे टू डे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स? देखिए, आई वोंट से शी इज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, बट आम आदमी पार्टी क्या कहें, एक स्टार्टअप की तरह है। वी आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड दिस पार्टी, हु हैव गिवन आवर लाइफ, 24 घंटे हम पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हमारे परिवार हमेशा से ही, चाहे वो सामने ना आए, वो पीछे से हमेशा सपोर्ट में इन्वॉल्व ही रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक व्यक्ति 24 में से 18 घंटे पार्टी के लिए काम कर रहा है और उनके परिवार का पूरा सपोर्ट उनके पीछे ना हो। तो हम सबके परिवारों का सपोर्ट रहा है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के भी पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है, सुनीता केजरीवाल जी के परिवार का सपोर्ट रहा है। वो कभी सामने नहीं आई हैं,
लेकिन इस मौके पर क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल जी से मिलती हैं, उनकी ही फोन पे बात होती है, उनकी ही जेल में या जब वो ईडी कस्टडी में थे तब विजिट होती थी, तो वो अक्सर उनके मैसेजेस पार्टी को भी कन्वे करती हैं, दिल्ली के लोगों को भी कन्वे करती हैं। एंड क्या राय है, एक्सपेक्टेशन क्या है, इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? बीजेपी का कहना है आपके बार 400 पार, सो देखिए वो कह रहे हैं 400 पार, पर उनके लक्षण 400 पार वाले नहीं है। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस होता कि वो 400 पार कर रहे हैं तो फिर वो विपक्ष के नेताओं को जेल में क्यों डालते? वो चुनाव से कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार करते? वो चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करते? वो कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट क्यों सील करते? वो लेफ्ट पार्टीज को इनकम टैक्स नोटिसेस क्यों भेजते? वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस को हफ्ते भर के लिए सिक्योरिटी के नाम पे क्यों सील करते? सो ये जो सारे लक्षण हैं ये तो दिखा रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 200 भी पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Then where will be your allies? So I think that देखिए चुनाव से पहले ये कहना बड़ा मुश्किल है कि exactly numbers क्या होगा, आके बैठेगा। आपको याद होगा इंडिया शाइनिंग का कैंपेन, राइट? इंडिया शाइनिंग में कहा गया था कि जी सब कुछ बदल गया, बीजेपी स्वीप करेगी, फीलिंग गुड, फील गुड कैंपेन था, लेकिन जनता ने बता दिया दे डोंट फील गुड। और मुझे लगता है कि जो एज आई सेड ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट्स बंद करना, इनकम टैक्स नोटिसेस भेजना, चुनाव की घोषणा से जस्ट पहले दो इलेक्शन कमिश्नर्स चेंज करना, ये 400 पार के लक्षण नहीं है। आज मेरा तो मानना है बीजेपी को भरोसा नहीं है कि वो 200 भी पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। So who will form the government? इसीलिए ये सब कदम उठाए जाएंगे। Your alliance will form the government if scenario is then I hope like so. that. Those who can say. And where do you see Arvind Kejriwal ji 10 साल बाद? कहाँ देखते हैं? Seeing all these happenings and events. देखिए मैं तो मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी soon जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल के उनकी स्पीड ऑफ रीचिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ दिस कंट्री उस स्पीड को एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ? जहां अरविंद केजरीवाल जी होंगे वहां अरविंद केजरीवाल जी की टीम भी होगी उनके साथ। वी थैंक यू आपके ये समय के लिए, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट में लिए धन्यवाद। थैंक यू। हे आसिल मोर खैते आदिसी डांगरियानी और সকলৰে পৰিচিত দিল্লী চৰকাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে। কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানক একসময়তে চম্ভালিছে, চৰকাৰৰ দায়িত্বও চম্ভালিছে, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ গোচৰ সম্পৰ্কীয় কাম কাজো তেওঁলোকৰ এটা দলে চম্ভালি আছে। অসমলৈ আহিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মাই বেষ্ট উইচেছ টু বোথ অফ ইয়াৰ কেণ্ডিডেটছ এণ্ড ইয়াৰ পাৰ্টি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।